तो फाइनली दोस्तों अभी देखा जा चुका है हार्ली डेविडसन के एक न्यू बाइक को, वो भी हीरो के ही जयपुर वाले प्लांट में, मतलब आरएनडी सेंटर में। तो ये जो बाइक है ना, तो ये वही बाइक है जिसके बारे में हम लोग बहुत दिनों से ही बता रहे थे कि ये जो हीरो कंपनी है तो इनके साथ हार्ली डेविडसन का एक कोलैबोरेशन में एक न्यू बाइक आने वाला है क्रूजिंग वाला। तो फाइनली ये वही बाइक है जो कि अभी देखा जा चुका है, और ये वाला बाइक ये अभी बहुत जल्दी आने वाला है इसी इंडियन मार्केट में। वैसे इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक 420cc वाला इंजन, और इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर बहुत सारा कुछ चीज है जिसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो फाइनली दोस्तों अभी हीरो के ही जयपुर वाले प्लांट में या फिर आरएनडी सेंटर में दिखा जा चुका है हार्ले डेविडसन का एक न्यू क्रूजर बाइक, और ये वही क्रूजर बाइक है जिसके बारे में हम लोग बहुत दिनों पहले से ही बता रहे थे कि ये जो हीरो कंपनी है ना, तो इनके साथ हार्ले डेविडसन के कोलैबोरेशन में एक न्यू बाइक आने वाला है। तो ये वही बाइक है जिसको अभी आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों। तो ये जो वीडियो के अंदर ये जो बाइक को अभी आप लोग देख रहे हो ना, तो ये एक न्यू बाइक है जो कि इंडिया के अंदर और कुछ कुछ देशों के लिए हार्ले डेविडसन की तरफ से अभी लॉन्च होने वाला है। और हाँ, ये वाला बाइक हीरो कंपनी के साथ ही कोलैबोरेशन में बन रहा है, मतलब कि इस वाले बाइक के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा ना, तो ये हीरो का डेवलप किया गया है, और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा ना, तो वो अभी के डेट में एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि 40 से लेके 45 BHP के अंदर अंदर का एक मैक्सिमम पावर जो है तो वो प्रोड्यूस करेगा, और उसके ही साथ साथ जो मैक्सिमम टॉर्क है ना, तो वो भी कम से कम 39 से लेके 47 के अंदर अंदर का जो है तो वो ही कुछ प्रोड्यूस करेगा। और इसके अलावा एक्सपेक्ट अब कुछ ये भी किया जा रहा है कि इस वाले बाइक के साथ आपको 5th का गियर बॉक्स भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ये वाला जो बाइक के अंदर दिया गया ये जो इंजन है ना, तो ये एक सिंगल सिलेंडर वाला ऑयल कूल इंजन है। और वैसे तो दोस्तों जानते ही होंगे, मैं पहले ही बोल दिया था कि ये 420cc वाला एक इंजन है। और इसके अलावा भी दोस्तों एक और भी चीज सामने आया है कि ये जो बाइक है ना, तो ये हार्ले डेविडसन की तरफ से एक न्यू बाइक तो होने ही वाला है, साथ में इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है एक न्यू पूरे ही तरीके से TFT कलरफुल वाला मीटर कंसोल, मतलब डिजिटल वाला ये मीटर कंसोल। तो ये जो मीटर कंसोल है ना, तो इसके अंदर आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, माइलेज वगैरह जो भी कुछ है तो वो सारा कुछ देखने को मिलेगा, मतलब कि ये जो जितना भी जो भी कुछ जरूरी सा कुछ चीजें है ना, तो वो कुछ देखने को मिलेगा। और हाँ, गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर जो है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ साथ देख ही सकते होंगे कि इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा सामने USD फोक्स, और पीछे आपको देखने को मिलने वाला है कॉयल वाला जो हाइड्रोलिक शॉक्स, तो वो ही। और उसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के अंदर जैसे कि देख ही सकते होंगे डायमंड कट वाला एक फिनिश जो है, तो उसके ही साथ में ये अलॉय व्हील्स भी देखने को मिलता है। और इसके ही साथ साथ जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना इसी बाइक का, तो वो है डिस्क ब्रेक के साथ साथ डुअल चैनल ABS का सपोर्ट। और इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर एक और भी चीज देखने को मिल रहा है जो कि है ये जो लाइट्स का सेटअप है ना, तो वो है LED में, मतलब इस बाइक का हेडलाइट और टेल लाइट जो है तो वो LED में। और अगर कॉस्ट कटिंग नहीं करता है तो इस वाले बाइक का जो टर्न इंडिकेटर्स है तो वो भी आपको LED में ही देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ साथ हाँ दोस्तों, इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है बहुत सारा कुछ कलर्स ऑप्शंस जो कि अभी सामने आया नहीं है, लेकिन भाई अभी बहुत जल्दी ये जो है तो ये भी रिवील हो ही जाएगा, मतलब कलर्स ऑप्शन जो है तो वो ही, क्योंकि इस वाले बाइक का जो लॉन्च डेट है ना, तो वो अभी के डेट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2023 के ही मिड वाले साइड पर ये लॉन्च हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों देख ही सकते होंगे कि इस वाले बाइक का ये ऑयल कूल वाला जो रेडिएटर है ना, तो वो देख ही सकते होंगे ये दिया गया है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।